পায়ে তুড়া হাতের বাল্লা থাকে যদি সিটি গলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান বাদাম পাবেন। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तफरी गेमिंग पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे और आज हम बात करने वाले हैं कच्चा बादाम। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताया करो कि असल में तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो भैया ये थे हमारे बादाम वाले चचा। ये देते तो ज़रूर हैं बादाम, लेकिन बदले में आपकी ले लेते हैं। लेकिन गलत मत सोचना, लेने की बात है, ये बदले में छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं, टूटी फूटी चीज़ें, समझ रहे हो ना। देते हैं, लेते हैं, लेते हैं, देते हैं, समझ रहे, एक ही बात है, समझ लेना यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ओके, तो गाना बहुत ही ज़बरदस्त था, सब कुछ बड़ा मज़ा आ रहा था, यू नो, समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। टिम डम डुम टिम 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 ब्ला 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 ब्ला, कच्चा बादाम। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मुझे पता है तुम लोगों ने डेस्पासीटो के टाइम भी यही किया था, समझ कुछ नहीं आता था। डेस्पासीटो डिम लक डिम डिम डेस्पासीटो पुच लक पुच पुच डेस्पासीटो डेस्पासीटो। राइट, तो तुमने यहाँ पर देखा कि दीदी किस तरह से लचक रही हैं, मटक रही हैं। मुझे पूरे वीडियो में दीदी दिखाई ही नहीं दे रही थी, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। और ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और दीदी भी जानती, क्योंकि पूरा रायता तो दीदी ने फैलाया था। वैसे दीदी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करो, क्योंकि बच्चे भी वीडियो देख रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते बारूद कौन वाला है और किसी का, समझ रहे हो ना। अरे भैया फैजू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कौन सा चमत्कारी बादाम उसने आपके मुंह में घुसेड़ दिया है कि आप ये लुंगी पहनकर इस तरह मटक रहे हैं, लचक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे डर लगता है ये देखकर कभी कभी आप लोगों की हरकत, कि आपकी ये लुंगी सरक ना जाए। है जीसस, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास छोटे पैसे होते तो मैं दे देता, मेरे व्यूवर्स के पास शायद हो, अगर तुम लोगों के पास है तो प्लीज इन्हें दे दो यार उठा करके, क्योंकि भिखारी असल में भिखारी ही दिखता है, चाहे उसके ऊपर आविष्कार करो या चमत्कार करो, क्योंकि रेनू ये गाना है चमत्कारी और तुम हो असली भिखारी। प्रभु की माया, इन लोगों को देखने के बाद मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी आधा नंगा होकर के यू नो रोड पर दौड़ जाऊं, क्या पता कब कौन वायरल हो जाए। जी हाँ, आजकल पता नहीं चलता कि कब कौन वायरल हो जाएगा। इस बंदे से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना तुमने पहना है ना उसकी भी जरूरत नहीं थी, तुम आग लगा देते अगर तुम ये भी उतार देते, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्दी ही कुछ ऐसा वायरल होगा जो बिल्कुल नंगा पंगा होगा, बिल्कुल इसी की तरह, लेकिन इससे थोड़ा सा और ज्यादा नंगा पंगा रहेगा, बाकी सब ठीक है। इस बंदे से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हारी हरकतें देखने के बाद ना मुझे रात को डरावने मच्छर डराने आ जाते हैं, मतलब सच में इतना तो मछली भी नहीं फड़फड़ाती जितना तुम फड़फड़ा रहे हो। कभी कभी इन लोगों को देखने के बाद मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मिर्गी का असर कौन सा है और कच्चा बादाम का असर कौन सा है। Hey.
आग लगा दो पानी में, भाभी कूद पड़ी कच्चे बादामों में, युवाओं के दिलों की जान, आसमान को कर दे जमीन और जमीन को कर दे आसमान, ये भाभी, ये भाभी लोग, आग लगा दे पानी में, भाभी कूद पड़ी फिर से कच्चे बादामों में। भैया इन सारी औरतों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर खड़ी होकर के कच्चा बादाम करती रहेंगी हैं, तो बादाम पक्का बादाम कब बनेगा हैं? आप लोगों को मिलकर एकजुट होकर उस कच्चे बादाम को पक्का बादाम बनाना होगा हैं। यहाँ लाइन में लग करके कमर मटकाने में कितना मजा आ रहा है, और इन लोगों को ही मैं देखता हूँ जब ये एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं तो पीछे से चिल्लाते रहते हैं, भैया अरे हुआ नहीं क्या, निकल नहीं रहा है क्या, पैसा नहीं है क्या, देखिए जल्दी कीजिए, हाँ हमको कच्चा बादाम पे कमर भी तो मटकाना है। हम लोग करने वाला है एक मिनट में कच्चा बादाम का डांस चैलेंज, मैं दे रहा हूँ डॉली का और प्रियंका को, जो भी सबसे बेस्ट करेगा आपको कमेंट करके बताना कि किसका सबसे बेस्ट था, ठीक है? तो ओए जाना, कोई मिल गया का जादू, हम लोग देखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला बढ़िया था, हट। ऑलराइट गाइस, मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जोक्स में आप भी शामिल हो जाएं एक अनजान और गहरी मोहब्बत की तरह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर किया करो, मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें अगला वीडियो क्या चाहिए। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।